बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हफ्सा और आप देख रहे हैं हफ्सा व्लॉग। व्यूअर, आज मैं आपके साथ इस गम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये गम ईरानी गम है और आज मैं इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर इसका रिज़ल्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको एक स्टैंड सा नज़र आ रहा होगा, हम लोग पूरा एक टेबल सा बना रहे हैं जो यूट्यूब चैनल से हमने देखा हुआ था। तो अब हम लोग जोड़ रहे हैं और इस गम का भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कितना टाइट चिपकाता है। और ये हमने यूट्यूब चैनल से स्टैंड देखा था और इसमें कम जगह में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है, इसलिए हमने ये बनाया है। और फिर मैं एंड में आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें कम जगह पे आ सकती है। जैसे कि व्यूअर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैंड में मैंने सारा सामान रख लिया है। और व्यूअर, यूट्यूब में एक चैनल था जिसमें हमने ये स्टैंड देखा और हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया था कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें रख सकती है। और सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें सामान भी बहुत ज़्यादा आ सकता है और ये फालतू चीज़ों से बनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गत्ते और बोतलों से ये बनी है। और व्यूअर, आपको ये स्टैंड कैसा लगा? और अगर आपके घर में भी जगह कम हो तो आप भी ये स्टैंड ज़रूर बनाएँ। और व्यूअर, ये हमने यूट्यूब चैनल में देखा था कि एक बंदे ने बनाया था तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और हमने सोचा कि हम भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी कम जगह में ये बन के रेडी हो चुका है। तो व्यूअर, इसमें आप कम जगह में ही ज़रूरत का बहुत ज़्यादा ही सामान रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी ही कम जगह में ये स्टैंड आ चुका है। और बस व्यूअर, मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी इस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चलिए मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।